A very good morning all of you and welcome to Drishti PCS. अलाहाबाद हाई कोर्ट जो आरओ और एपीएस की वैकेंसीज निकली उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिलेबस, फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, क्या क्या आने वाला है आपका, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जरूरी है, कौन सा कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है, इन सब की शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। तो जिस जिस को जो जो भी डाउट है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बाकी के बचे हुए डाउट आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं स्टार्टिंग डेट, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूं, फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूं। ठीक है, स्टार्टिंग डेट 18 दिसंबर, लास्ट डेट 7 जनवरी। और एपीएससी एआरओ पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी के लिए है जो आपके एप्लीकेशन फीस 750 और एससी एसटी के लिए 500। ओके, पेमेंट आपको 7 जनवरी तक करना है और एडमिट कार्ड जब भी आएगा आपको नोटिस कर दिया जाएगा। और ड्राइवर के लिए जो पोस्ट है उसका 500 है और एससी एसटी के लिए ये सब है। ओके, एग्जाम डेट अभी आई नहीं है, जब आएगी आपको नोटिस दे दिया जाएगा और जैसे ही आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगी। तो उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट है लोकेशन अलाहाबाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश अलाहाबाद रहेगी। एज लिमिटेड, एज लिमिट आपकी 7 जुलाई 2018 तक है। मिनिमम 21, मैक्सिमम 35, ड्राइवर के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल, मतलब एससी एसटी ओबीसी के लिए होगा एज रिलैक्सेशन। वैकेंसीज पोस्ट नेम है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एपीएस, असिस्टेंट रिव्यू एआरओ और समीक्षा अधिकारी। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते नंबर ऑफ पोस्ट है 341। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की 23 पोस्ट है और एआरओ की 277 पोस्ट है और ड्राइवर की 41 पोस्ट है। ओके, तो एपीएस की एपीएस की जो पोस्ट होती है इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट करते रहते हैं, तो इसके लिए आप देख लीजिएगा अच्छे से। ग्रेड पे है एपीएस का 4800 और एआरओ का 4600, ड्राइवर का है 1900। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री एंड द गुड नॉलेज ऑफ द स्टेनोग्राफी, 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड द 40 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग विद गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओके, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, मतलब एक बार हिंदी में और मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपको एपीएस के लिए बैचलर डिग्री होना है, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको स्टेनोग्राफी में 100 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में शॉर्ट हैंड में 40 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट रिव्यू, कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री ऑफ विथ रिक्वायर्ड कंप्यूटर नॉलेज कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और आप लोगों को असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए एआरओ के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ओके, और ड्राइवर के लिए इसमें है हाई स्कूल पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका होगा बेस्ड ऑन रिटर्न एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। अब अपन एपीएस की बात कर ले, यहाँ पर एपीएस का रिटर्न एग्जाम का सिलेबस के बारे में बात कर ले। पार्ट वन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज 40 मार्क्स का और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद पार्ट बी होगा, पार्ट बी में ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज इन द शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश फ्रॉम द सर आइज़ैक पिटमैन्स बुक। ओके, तो ये 40, उसके बाद टोटल ये आपका 100 का हो गया। फिर पार्ट बी में होगा शॉर्ट हैंड टेस्ट 150 का। ठीक है, उसके बाद है टोटल आपका 200 और ग्रैंड टोटल आपका हो जाएगा 300। अब हम बात कर लेते हैं अलाहाबाद तो हाई कोर्ट एपीएस सिलेबस के बारे में। सॉरी, ये 2018 है, 2017 छप गया। तो टेंस, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, एरर करेक्शन, कंक्लूजन, ग्रामर, वोकैबुलरी, सिनोनिम एंटोनिम्स, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, वर्ड फॉर्मेशंस, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, थीम्स, डिटेक्शन, पैसेज कंप्लीशन, कॉम्प्रिहेंशन, इडियम एंड फ्रेशेस, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, अनसीन पैसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट इसमें जनरल स्टडीज का करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, स्पोर्ट, यूनियन बजट, 5-year plan, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज, एब्रीविएशन, बुक्स, ऑथर अवार्ड,
साइंस, बैंकिंग अवेयरनेस, इंटरनेशनल, नेशनल, मतलब करंट अफेयर आपका पूरा आएगा. ओके, नेक्स्ट अपन कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर टूल्स, बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज, सॉफ्टवेयर नेम्स, यूजेस, बेसिक इंटरनेट नॉलेज, प्रोटोकॉल्स, नंबर सिस्टम्स, कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स, कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, ये जो कंप्यूटर वाला पार्ट है ये मैं आपको करवा दूंगी. ओके, तो ये सब इसमें आएगा. अब अपन ARO के सिलेबस की बात कर लेते हैं. देखिए, टू स्टेप में होगा. फर्स्ट स्टेप एग्जाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, टोटल मार्क्स 200 और ये 2.5 घंटे का होगा. ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप, स्टेप 5 कैंडिडेट अगेंस्ट एवरी वैकेंसीज. उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा. यहाँ पर कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा. ठीक है, नो इंटरव्यू. जो आपका ARO होगा, याद रखिए, जो आपका ARO होगा उसमें आपका GS पूरा आएगा. जैसे कि आप ARO UPPCS के थ्रू जो होता है ARO वैसे ही पूरा होगा. इकोनॉमिक्स, इंडियन, पूरा ये सब कुछ आएगा. जनरल, ठीक है, कंप्यूटर आएगा, फिर इंग्लिश आएगा, इंग्लिश हिंदी, द लैंग्वेज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड इंक्लूडिंग ग्रामर, ये सब आएगा. उसके बाद करंट अफेयर आएगा. देखिए, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है सिलेबस, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा 2.5 घंटे का. जनरल साइंस, हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, पूरा का पूरा वैसे ही होगा. फिर उसके बाद 50 मार्क्स का कंप्यूटर टेस्ट होगा. एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी नॉलेज, ग्रेजुएशन, ये सब आएगा. तो इस सब की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा. ये ARO का और RO का जो भी एग्ज़ाम होगा आपका, उसका होगा जो उसमें 50 नंबर का. तो ऐसे करके 250 मार्क्स का ये टोटल हो जाएगा, 15 मिनट का आप लोगों का जो कंप्यूटर टेस्ट होगा. कंप्यूटर टेस्ट के बारे में हम बात कर लें तो कंप्यूटर टेस्ट होगा 15 मिनट का, 50 मार्क्स का. कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड द टेक्स्ट इन इंग्लिश अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड विच दे शैल रिक्वायर द रिप्रोशन. ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बता दूं. तो कंप्यूटर नॉलेज, आपको डाटा एंट्री करना है, वर्ड प्रोसेसिंग करना है, कंप्यूटर ऑपरेशन करने, यही सब होगा और 15 मिनट का होगा. ठीक है, और एलिजिबिलिटी के लिए आपको मिनिमम 17 मार्क्स तो लाने ही लाने पड़ेंगे इसके लिए. अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से इसमें कंप्यूटर का जो कोर्स है कौन कौन से इसमें मांगा है. तो देखिए, ये है कंप्यूटर टेस्ट नॉलेज विल प्राइवेट सेक्रेटरी सेक्शंस अलाहाबाद हाई, www.allahabadhighcourt पर आप ये देख सकते हैं. वैसे मैं आपको इसमें बता देती हूँ, ठीक है. ये आप ये जो फिफ्थ वाला कॉलम है इसको देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज. अगर आपने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, आपका माना जाएगा. या फिर कोई भी ऐसे कंप्यूटर साइंस से आपने कुछ ग्रेजुएशन किया है वो भी माना जाएगा. यूनिवर्सिटी से ओ लेवल माना जा सकता है, निलेट या डोएक सोसाइटी से अगर आपने ओ लेवल किया है वो भी माना जाएगा. और उसके बाद CCC सर्टिफिकेट कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय द लॉ एज पर द रिक्वायरमेंट. अगर आपने CCC सर्टिफिकेट किया है तो वो भी माना जाएगा. लाइक आपने PGDC किया हुआ है वो भी माना जाएगा. तो यही है कि आपने अगर कुछ भी ग्रेजुएशन में अगर आपका कंप्यूटर है वो माना जाएगा. उसके बाद अगर आपने डिग्री में, आपकी डिग्री हो गई, उसके बाद ओ लेवल है डोएक सोसाइटी से या फिर निलेट से, आपको वो भी माना जाए. CCC सर्टिफिकेट है वो भी माना जाएगा. तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और जो मुझे मेनली कमेंट आए कि एग्ज़ाम कब होगा, तो मैंने आपको बता दिया, आपको जल्दी ही नोटिस मिल जाएगा. उसके बाद है कि क्या क्या सारी जानकारी मैंने आपको इसमें दे दी है, एडमिट कार्ड की, सबकी जानकारी. अभी जब तक डेट डिसाइड नहीं हो जाती तो एडमिट कार्ड आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. ठीक है, तो जैसे ही डेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और जैसे ही इसके बारे में मुझे कुछ और जानकारी मिलती तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. सो टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.